तो बच्चों, आपके कक्षा 10 के पाठ 5 के इस भाग में क्या है, अपने लोकतंत्र शासन के प्रकार और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन के प्रकार क्या हैं। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध रूप है जो लोकतंत्र का वह है, और दूसरा जो भाग है वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। दोनों भागों के अपने अपने गुण हैं तथा इसके साथ साथ दोष भी हैं। दोनों भाग जो हैं अपने आप में परिपूर्ण हैं और शासन का एक विशेष पद्धति है जिसके बारे में अपने देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसके बात करते हैं अर्थ की। तो इसका अर्थ तो सीधा जो लोकतंत्र का अर्थ अपने देखते हैं कि जो जनता है वही क्या होती है, प्रभुसत्ता संपन्न होती है। जनता जो होगी वो प्रभुसत्ता संपन्न होगी, यानी सारी शक्तियों का जो नियंत्रण होगा, नियंत्रण संचालन लंज होगा वो जनता के ही हाथ में होगा। साधारण अर्थों में कहा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय सीधा सा है, जिसमें जनता ही स्वयं के ऊपर शासन करती है, वह क्या है, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि को नहीं चुना जाता, किसी भी प्रकार की सरकार नहीं चुनी जाती। जनता स्वयं क्या है, अपने राज्य के शासन का संचालन करती है और उसके ऊपर नियंत्रण करती है। अब देखते हैं इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, कि जो वास्तविक अर्थ है लोकतंत्र का वह ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के क्या है, प्रभुसत्ता संपन्न होती है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्य की जो पूरी शक्ति होती है वह जनता स्वयं प्रयोग में करती है, पूर्ण शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भी प्रतिनिधि या किसी दल का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी दल का हस्तक्षेप या और भी कुछ जो फैसले लेने हैं, कोई और कार्य है, तो वो किसी दल या प्रतिनिधि का कार्य नहीं होता। पूरा कार्य जो है वो किसका होता है, जनता का होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपने कि जो नीति संबंधी निर्णय हैं, नीति संबंधी निर्णय, नीति संबंधी निर्णय, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, इन सभी के संचालन या इस प्रकार के जो कार्य हैं वो जनता स्वयं करती है। इसके अलावा कानून बनाना या समाज के प्राचीन प्रचलित व्यवस्था में सुधार करना, ये सभी कार्य
का अधिकार और नियंत्रण और संचालन किसके द्वारा होता है? सीधा सीधा डायरेक्ट रूप से किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा ही होता है। यानी बीच में ऐसी कोई कड़ी नहीं होती जो जनता को उस कार्य से जोड़े रखती है। सीधा जनता ही इस प्रकार के निर्णय लेना, प्रशासनिक कार्य करना, कानून बनाना या समाज में किसी भी प्रकार के प्राचीन परंपरागत जो रीति है या कानून है उसमें सुधार करने का कार्य स्वयं सीधा जनता करती है। इसी के कारण इसको क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। सीधा या डायरेक्ट जो लोकतंत्र का शासन का प्रणाली है या प्रकार है वह है यह है। इसके लिए क्या है, उल्लेखनीय बात आती है कि अगर इसका इतिहास देखें अपने, तो प्राचीन यूनान की सभ्यता के शहरों या राज्य, मान लीजिए राज्यों में यह शासन पद्धति थी, शासन पद्धति होती थी। अब वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कई कैंटेनों में क्या है, इस प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमान है। यानी प्रारंभ में तो क्या है, यह यूनान के राज्यों के अंतर इस प्रकार की शासन व्यवस्था मिला करती थी, लेकिन अभी क्या है, यह वर्तमान में जो स्विट्जरलैंड देश है उसके कई राज्यों में या प्रांतों में क्या है, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन इसके इतिहास और वर्तमान रूप को देखने से पता चलता है कि यह व्यवस्था मात्र उन स्थानों के लिए उपयोगी है जहाँ जनसंख्या कम है या छोटे राज्य हैं। वहीं पर क्या है, यह शासन पद्धति प्रचलित है या कामगार साबित हो सकती है, अन्यथा इस शासन पद्धति का उपयोग अन्य राज्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे कि अभी अपने देखते हैं कि यह प्रणाली जो है वो बड़े जो देश हैं, फिलहाल बहुत से बड़े बड़े शासन करने वाले राज्य हैं या देश हैं, बड़े देश या राज्यों में यह प्रचलित नहीं है। इसका सापेक्ष रूप अपने देख सकते हैं, हमारे सामने है कि सिर्फ छोटे राज्यों में या कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही यह क्या है, शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है, अन्यथा यह शासन व्यवस्था कामगार साबित नहीं होती है। यह तो था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बारे में क्या है, उदारवादी विचारधारा के बहुत से विचारकों ने परिभाषाएं बताई हैं या इसके बारे में क्या है, विस्तार से जानकारी दी गई हैं। आधुनिक काल में क्या है, प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्य अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही अपनाया जा रहा है। क्या है, प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले अर्थ क्या है, अर्थ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र का अर्थ यह होगा कि इसमें जनता सीधे तौर पर शासन का संचालन या नियंत्रण स्वयं नहीं करती है, स्वयं
नहीं करती है। इसके अर्थ के अनुसार क्या है, जनता स्वयं इसका नियंत्रण या संचालन नहीं करेगी, बजाय इसके वह किसी प्रतिनिधि का चयन किया जाता है, ठीक है, जो क्या है उनके उद्देश्य क्या होगा, उस प्रतिनिधि का उद्देश्य यह होगा कि वह जनता के हित हेतु कार्य रत रहेगा या कार्य करेगा, जो प्रतिनिधि चुना जाएगा जनता के द्वारा। यह क्या है, सीमित समय के लिए एक प्रतिनिधि को चुना जाता है जो क्या करता है, जनता के सभी फैसले स्वयं करता है, लेकिन उन फैसलों का पीछे उद्देश्य क्या रहेगा, उनके हितों का उद्देश्य रहेगा, अन्यथा जनता क्या है उसको अपनी मर्जी से हटा सकती है, क्योंकि नियंत्रण सीधे तौर पर नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, संचालन व नियंत्रण क्या है, जनता ही करती है। बस इस शासन प्रणाली में क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से करती है, इनडायरेक्ट रूप से करती है, डायरेक्ट रूप से उसका नियंत्रण नहीं होता है। तो अभी इसके बारे में आगे पढ़ते हैं अपने, यह तो हमने जान लिया कि जनता जो है वो स्वयं इसके शासन की जो शक्ति है वो है स्वयं प्रयोग नहीं करती है, बल्कि वो शासन की शक्ति किसी एक प्रतिनिधि के हाथों में सौंपी जाती है, जो क्या करता है इसके शासन को संचालित करता है या नियंत्रित करता है। बस जनता जो है वो उस शासक को नियंत्रित करती है या संचालित करती है। इस अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, ऐसी व्यवस्था मानी जाती है जिसमें जनता या जनता की जो बहुसंख्या है शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिसे वह समय समय पर चुनती है। यानी जनता का एक बड़ा हिस्सा बहुमत की जो अवधारणा है या बहुमत का सिद्धांत है उसके आधार पर क्या है प्रतिनिधि को चुना जाता है, और जनता क्या है उसको चुनने के लिए अपनी पावर या वोटिंग पावर का इस्तेमाल करती है, और उनको हटाने के लिए भी क्या है जनता अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल कर सकती है, या इसके अलावा अन्य जो संविधान अलग अलग संविधान के अनुसार अलग अलग तरीके बताए जाते हैं प्रतिनिधियों को हटाने के लिए अलग अलग देशों में। क्योंकि आज के समय में क्या है लगभग सभी बड़े राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सामने दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर क्या है सारी गुण क्या है समावेश किए जा रहे हैं, बाकी जो सिद्धांत जो हमने पढ़े थे उनके लिए भी। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं कि विद्वानों ने क्या है इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उससे पहले समझ लेते हैं कि नीति संबंधी निर्णय, प्रशासनिक कार्य, कानून बनाना, समाज के जो और कार्य हैं इसमें नीति संबंधी कार्य या कानून बनाना या समाज प्रशासनिक कार्य जो हैं वो स्वयं जनता न करके कौन करता है, प्रतिनिधि स्वयं उसका कार्य करता है। बस जनता क्या है उस कार्य की देखरेख करती है या उसको संचालित करती है। इसके अलावा आज बड़े राज्यों तथा लगभग प्रत्येक देश में यह शासन व्यवस्था उपयोग में ली जाती है, जिनमें क्या है इसके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुणों का बस इतना ही अंतर पाया जाता है कि उसमें सिर्फ जनता सीधा निर्णय लेती है, और इसमें क्या है जनता अपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से क्या है शासन का संचालन करती है। अब क्या है इसके लिए इन दोनों सिद्धांतों के लिए या लोकतंत्र के लिए जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में देखते हैं, जैसे लॉर्ड बायर्स या डाइसी या अब्राहम लिंकन इन्होंने क्या है इसके लिए अलग अलग क्या है विशेषताएं बताई हैं, इसकी परिभाषाएं बताई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है, जिसमें कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का
जनता के लिए किया जाने वाला शासन है, किया जाने वाला शासन है। फॉर पीपल बाय पीपल जो शासन प्रक्रिया है वो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन जो किया जाता है वो लोकतंत्र शासन प्रणाली का है, हिस्सा है। इसके अलावा लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है, यानी यह परिभाषा जो है वो बहुमत के सिद्धांत के आधार पर है, जिसमें अधिकांश भाग को क्या बताया गया है, शासक बताया गया है, क्योंकि बहुमत का जो हिस्सा होगा या सभी जो लोग होंगे वह क्या है, शासक का कार्य पूरा करते हैं, जिनके पास क्या है, वोटिंग राइट्स होते हैं, वो इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसके अलावा अपने क्या है, अभी इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, जो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनके अंतर्गत क्या है, जनता का शासन या जनता द्वारा निर्मित शासन, तो इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उनको पढ़ेंगे। जनता का शासन का अर्थ हो गया कि लोकतंत्र, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, लोकतंत्र जो है वो साधारण सी बात है, जनता का शासन है। एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में शासन स्वयं करती है। इसीलिए इसकी पहली विशेषता है जनता का शासन, यानी जो लोकतंत्र है वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन जो होता है वो जन के प्रत्येक व्यक्ति का होता है, जनता में से प्रत्येक या हर एक व्यक्ति का शासन में हिस्सा या भागीदारी होती है। नेक्स्ट अपने चलते हैं जनता द्वारा निर्मित शासन। तो इसमें क्या है, साधारण सी बात है, अपने देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, दूसरी विशेषता कि सरकार लोकतंत्र में क्या है, सरकार का चुनाव जनता स्वयं करती है, अपनी मर्जी से करती है, बिना किसी दबाव में। तो जो शासन है या शासक है उसका चुनाव किया है जनता ने, तो इसका मतलब क्या हो गया, शासन का निर्माण भी किसने किया है, जनता ने स्वयं किया है। साधारण शब्दों में क्या है, लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है, इसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं, यानी जनता प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी विशेषता है वह है शासन का साधन। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि यह क्या है, शासन का साधन है, न कि साध्य, यानी यह क्या है, बस एक प्रक्रिया मात्र है शासन की, जिसके द्वारा क्या है, साध्य को प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, इच्छा रखी जाती है। और इसके साध्य क्या क्या होंगे, लोगों की स्वतंत्रता, उनकी गौरव की रक्षा करना और उनके सार्वजनिक हितों में वृद्धि करना, जनता की स्वतंत्रता, गौरव में वृद्धि और उनके हितों की रक्षा व हितों की वृद्धि करना या उनका विकास करना, वह क्या है, साध्य होंगे लोकतंत्र के शासन प्रक्रियाएं, यानी लोकतंत्र क्या है, एक प्रक्रिया मात्र है शासन की, जो
इन साध्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत रहती है। ये साध्य कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, उसके गौरव में वृद्धि हो, उसके गौरव की रक्षा हो, हितों में क्या है वृद्धि हो, उसका विकास हो और लगातार निरंतर रूप से क्या है समृद्धि उस देश में बढ़ती जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपनी जो विशेषता है वो है उत्तरदायी शासन। शासन की प्रक्रिया नंबर 4 है उत्तरदायी शासन। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था, वह उत्तरदायी होती है जनता को। जनता उसको चुनती है और अपने कार्य करवाने के लिए उसको एक समय तक रखा जाता है और उस समय विशेष में जो कार्य किए जाते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन सभी का उत्तरदायित्व शासन करने वालों का होता है और वो किसके लिए होता है, जनता के लिए होता है। जैसे अपने राजतंत्र में देखते हैं राजा किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वह यह नहीं सोचता है कि जनता उसको चुनेगी या जनता को क्या है उसका हित करना है या जनता के लिए उसको हित करना है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या है, राजा जो होगा या शासक जो होगा, राजा नहीं प्रतिनिधि या शासक जो होगा वह क्या होगा, उत्तरदायी होगा जनता के प्रति, उनके हितों के प्रति, उनके कार्यों के प्रति। इसीलिए इसको लोक प्रभुत्व या जनता प्रभुत्व शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली या व्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें क्या है लोगों के प्रति शासक का उत्तरदायित्व रहेगा। जनमत का सम्मान नहीं करती है तो वह सार्वजनिक रूप में कार्य नहीं करती है तो जनता क्या है उसको बदल सकती है। यानी अगर उत्तरदायित्व या उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है जनता के, तो जनता क्या है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि को बदला जा सकता है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि को बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो विशेषता है वो है कि विकासशील शासन व्यवस्था। लोकतंत्र की जो परिकल्पना है या इसके जो विचारक हैं या सिद्धांत है वो क्या है, लगातार विकासशील हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सबसे पहले अपने लोकतंत्र की शुरुआत देखते हैं तो वह क्या एक व्यक्तिवादी विचारधारा थी, जिसके अंदर बस स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की व्याख्या की जाती है। यानी एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, उसके अधिकारों को क्या है समान रूप से सभी को अधिकार मिले, समानता उनके अंदर व्याप्त हो। लेकिन थोड़े समय बाद इसमें क्या है बदलाव आता है और यह क्या है उदारवादी व्यवस्था का रूप लेती है, जो लोगों या राज्यों के हितों, उनके अधिकारों, उनकी समानता आदि हेतु कार्य करता है या उस विचारधारा के अंतर्गत क्या है सभी के हितों की भी बात की गई, न केवल उनके अधिकारों और स्वतंत्रता की। यानी अब क्या है लोग जो है इसके द्वारा अपने अन्य जो कार्य हैं उनको भी शामिल करने लगे थे और यह थोड़े समय बाद क्या है राज्य की कल्याणकारी स्थिति में पहुंच जाता है। यानी अभी जो वर्तमान रूप है वो है कल्याणकारी व्यवस्था, जिसके द्वारा क्या है जनता का कल्याण सर्वप्रथम या सर्वप्रथम उद्देश्य होगा। राजनीतिक स्वतंत्रता होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, संवैधानिक यानी विधि के शासन पर ही बल दिया जाता है। वहाँ अब यह सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को बात की जाती है। यानी पहले तो क्या है राज्यों या जनता के हितों की, अधिकारों की या समानता की या संवैधानिक रूप से शासन होना चाहिए, क्या है जो संविधान बना है उसके अनुरूप क्या है शासक शासन करना चाहिए, न कि राजा की भांति। तो पहले तो क्या है लोगों की सिर्फ यही क्या है इच्छा हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या है आर्थिक समानता
का विषय भी सामने आता है कि अभी क्या है, लोग आर्थिक रूप से समानता चाहते हैं, इसके अलावा सामाजिक रूप से समानता चाहते हैं, समानता चाहते हैं। यानी पहले तो बस उनको यह मात्र चाहिए था कि किसी को विशेष अधिकार न मिले, लेकिन अभी क्या है, सभी को समान अधिकार मिले, इस प्रकार की विचारधारा का अभ्युदय हो चुका है। तो यह क्या है, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, और क्या है, इसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक विकासात्मक शासन प्रणाली है। इसके अलावा क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट बचाता है अपना, इसके शासन के जो दो प्रकार बाकी रह जाते हैं वो है अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक शासन व्यवस्था, जिसको क्या है अपने देशों के उदाहरण के रूप में क्या है पढ़ेंगे। दो भाग इसके बाकी रह जाते हैं, जिसमें एक के पास सारी पावर संसद के पास होती है और एक में सारी पावर जो है वो अध्यक्ष के पास होती है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है आजकल इनके लिए आदर्श उदाहरण, इसके लिए तो क्या है ब्रिटेन है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था है, और इसके लिए अमेरिका की शासन व्यवस्था है। एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन दोनों की शासन व्यवस्था के गुणों का समावेश करके क्या है एक शासन व्यवस्था तैयार की गई है, जो स्विट्जरलैंड में इस्तेमाल की जाती है। स्विट्जरलैंड के राज्यों में दोनों के गुणों का समावेश करने वाली मिश्रित शासन प्रणाली जो है वो उपयोग में ली जाती है, जिसमें संघीय स्तर पर संस्थात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप अपनाया गया है। इसमें क्या है, साधारण सी बात है, ब्रिटेन में क्या है सारी पावर संसद के पास होगी, और इसमें क्या है सारी पावर अध्यक्ष के पास निहित होती है। वैसे क्या है लोकतंत्र में सारी पावर जनता के हाथों में निहित होती है, लेकिन एक प्रकार से प्रतिनिधि के रूप में ज़्यादा पावर क्या है इसमें तो संसद के पास है, यानी किसी एक व्यक्ति का फैसला परिपूर्ण नहीं माना जाता, और इसमें क्या है अध्यक्ष सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन इन सभी में क्या है एक विशेषता यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। इन सभी में विशेषता यह है कि न्यायपालिका क्या है स्वतंत्र है, दोनों के अधिकारों से बाहर है, न तो उस पर क्या है संसद का अधिकार चलता है और ना यहाँ एक किसी पर्टिकुलर अध्यक्ष का अधिकार चलता है। तो यही कुछ विशेषताएं और शासन के प्रकार हैं, डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, जो पहले हमने दो पढ़े थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और यह दो भाग हैं। इसके अलावा ये इसकी विशेषताएं पूरी होती हैं, आगे का बार अध्याय हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।